पड़ोसी देश नेपाल सियासी संकट से गुजर रहा है। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति दिव्या देवी भंडारी ने मंजूरी देते हुए संसद भंग करने की अनुमति दे दी है। इस मामले में राष्ट्रपति कार्यालय से रविवार दोपहर को बयान जारी कर कहा गया कि पीएम ओली की सिफारिश के बाद संसद भंग करने का फैसला लिया गया है और अगले चुनाव अप्रैल मई 2021 में होंगे। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 30 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होंगे और दूसरे चरण का मतदान 10 मई को होगा। बता दें कि इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को अचानक कैबिनेट मीटिंग बुलाकर संसद भंग करने का फैसला लिया था। इसके बाद सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने केपी शर्मा ओली के फैसले का विरोध किया था। पार्टी के प्रवक्ता का कहना था कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, यह लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ है और राष्ट्र को पीछे ले जाएगा। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारियों के मुताबिक नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 खंड 1 तथा 7 और अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद भंग करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि राष्ट्रपति भंडारी ने यह कदम ऐसे में उठाया है जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच आंतरिक मतभेद चरम पर है। इसके अलावा पिछले कई दिनों से पार्टी दो खेमों में बटी हुई है। एक खेमे की कमान 68 वर्षीय ओली के हाथ में है तो दूसरे खेमे का नेतृत्व पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड कर रहे हैं। वहीं संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि संसद भंग करने का फैसला असंवैधानिक है। बहुमत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा संसद भंग करने का प्रावधान नहीं है। जब तक संसद द्वारा सरकार गठन की संभावना है तब तक सदन को भंग नहीं करना चाहिए। तो पीपल्स, फिलहाल इस बारे में इतने ही अपडेट्स हैं। जो भी अपडेट होंगे वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तनी? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।